हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक नया चैनल लॉन्च किया और इस चैनल का मकसद था कि जो सिविल सर्विसेज है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पर लाएँ। एंड टुडे वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ पर्सनैलिटी विद अस, मिस्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू Thank you, Rindir bhai. Thank you, Shoaib bhai. It's always a pleasure to connect with aspirants through such platforms. जैसा आप बोल रहे थे, आपने नई एक ऐप लॉन्च की है शिक्षक, if I am right. जी सर, बिल्कुल। जिसके through जो आपका, मुझे लगता है ये एक अच्छा फॉर्मेट है कि आप जिन्होंने क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम को, उनके क्या चैलेंजेस रहे, उन्होंने उन चैलेंजेस को कैसे कोप अप किया, कैसे वो आगे बढ़े, और वो एक्सपीरियंस या जो भी टेक्निकलिटीज़ है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी वो एक्सपीरियंस वो शेयर कर ले आपके सब्सक्राइबर्स के साथ, आपके व्यूवर्स के साथ। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो सर, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है मैक्सिमम व्यूअर जानना भी चाहेंगे सर कि वेयर आर यू बेसिकली फ्रॉम, आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब चीज़ें बताइए सर। आई एम फ्रॉम शोपियाँ, साउथ कश्मीर, और ग्रेजुएशन आई एम ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। डेंटल सर्जरी में मैंने 2000 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से किया, 2014 पास आउट। और इंटरेस्ट का यही है, एक जो हमारा लास्ट साल होता है कॉलेज में, उसको इंटर्नशिप बोल कहते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उस टाइप का शेड्यूल रहता है। उसी साल 2014-13 एंड के मैंने डिसाइड किया था कि इस एग्ज़ाम में अपियर होंगे, तो 2-3 महीने थोड़ा सा रिसर्च किया एग्ज़ाम पे, एंड देन 2015 में अटेम्प्ट दिया, इन द प्री हुआ, मींस नहीं हो पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो कमियां थी और ऊपर वाले की ब्लेसिंग से सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। बहुत बढ़िया सर। 2017 बैच, तो यही है, मोटिवेशन एक इनहेरेंट थिंग है, लगा कि है, कर सकते हैं। इनिशियली काफ़ी टफ लगता है व्हेन यू सी द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, बट जब आप इंक्रीमेंटली आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो, ये लगता है अचीवेबल। तो उस एंगल, उस विजन से, उस स्ट्रेटजी से आगे जाके ये हो पाया, तो आई एम थैंकफुल। और हम उन्हीं दिनों मिले भी थे ड्यूरिंग प्रेपरेशन स्टेज, काफ़ी डिस्कशंस होते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डिस्कशंस का एक और क्वेश्चन आता है इनका, स्टूडेंट्स का, कि डिस्कशन करे कि नहीं करे। करे, बिल्कुल करे, बट डिस्कशन डिस्कशन ही रखे, उसको डिबेट ना बनाए। आपने अगर टॉपिक डिस्कस करना आपके फ्रेंड के साथ, आपके साथ जो प्रेपरेशन करते हैं, तो वो डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग द पॉइंट्स। डिबेट में आर्ग्यूमेंट देंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, इसको सीखने के लिए यूज़ करें। स्टडी ग्रुप बनाए कि नहीं बनाए, अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है और आपका जो मिल रहे हैं ऐसे दोस्त, तो ठीक है, अच्छा रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज स्टडी ग्रुप बनाना है उसके लिए ना बनाए। एक ग्रुप हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ ही बनाए जिनका वो लेवल, नहीं रहने दीजिए, डिस्कशन ग्रुप बना ले अगर आपके पास है ऐसा अपॉर्चुनिटी है, बट सेम Never debate, only discuss, learn, emotionally चीज़ों को ना देखे, rationally देखे। कुछ कुछ टॉपिक्स जो मैंने बहुत देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स में, अच्छे स्टूडेंट्स हो के किसी किसी टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ में ज़्यादा जाते हैं, किसी चीज़ में किसी कुछ कुछ पोर्शन फिर छूट जाता है। पूरे सिलेबस को कवर करे, ऐसा ना रखे ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है, PSC हो, UPSC हो, उनका ये एक फंडा है कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स है जो हमारे कॉलेज के होते हैं, कि हाँ मैं 70% ये फोकस करूँगा, मेरा स्ट्रॉन्ग है, 30% मैं कम पढ़ूँगा, ऐसा ना करें। 100% सिलेबस को, सबको इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज दे। ऑप्शनल का सिलेक्शन के टाइम, जैसे मैंने बोला, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड इंटरेस्ट को देख के, आपके पास गाइडेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं उनको देखें। एक और क्वेश्चन जो बच्चे जो पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन कितना यूज़ हो, ऑनलाइन ऑफलाइन
ये डाइकॉटमी या इसको डिवीजन को ना देखे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखे कुछ कुछ टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपका चैनल के वीडियोस ब्राउज कर रहा था, फैंटास्टिक कंटेंट यू आर गिविंग. अगर अवेलेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ देखे कुछ कुछ. कभी कभी आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन में उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देख ले. कोई करंट अफेयर्स के बारे में कोई अच्छी डिबेट है कहीं पे वो देखे. हमारे जितने भी डिग्निटरीज होते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल पीएम, जो भी बड़े बड़े हमारे जितने भी डिग्निटरीज होते हैं उनकी पब्लिक स्पीचेस देखे. जैसे ऐसे का मेरा एक ये था कि मैं पीएम, ऑनरेबल पीएम की स्पीच सुनता था प्रिपरेशन के टाइम, तो एक कैसे फ्लो बनता है वो आप यूज़ करें. तो स्पीचेस देख के, जैसे वो किसी टॉपिक पे हमेशा होता है, डिग्निटरीज हमारी जितने भी है कभी विजिट करते रहते हैं कहीं पे, और हमेशा दो तीन दिन पहले आता है कि वो इस कार्य, इस प्रोग्राम के लिए जाएंगे या ये डिग्निटरी इस प्रोग्राम में प्रेजाइड करेंगे. फिर आपको आइडिया आता है कि हाँ इसमें ये टॉपिक बन सकता है. फिर वो वहाँ पे जाके स्पीच देता है, उस स्पीच का प्रिंट आउट निकाले. अगर आप हिंदी भाषा में एग्जाम दे रहे हैं हिंदी भाषा का निकाले. आई थिंक PIB पे अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं इंग्लिश में देखे. उन स्पीच को एनालाइज करें कि कैसे उन्होंने एक अपना जो थॉट प्रोसेस है कैसे उन्होंने डाल दिया, कैसे कंटिन्यूटी है. तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा मैं कैसे सोच रहा था, इन्होंने कैसे बोला. ऐसे में आपको हेल्प करेगा, इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा. जब भी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू आए या कोई ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम लॉन्च हो उसके बारे में जो गाइडलाइंस के बारे में या जो भी प्रेस रिलीजेस आते हैं उनको पढ़े डेटा के लिए. तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको एक होलिस्टिक तरीके से एंजॉय करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट ना करें, प्रोसेस को एंजॉय करें और हार्ड वर्क पे फोकस करें, रिजल्ट पे नहीं. ये तीन चीज़ें हैं सर. सर जो हैं इनने बहुत गाइड किया, हमें मेंटर किया है, एंड मेरी खुद की प्रिपरेशन में भी और हमारे साथ जितने भी लोग थे हमने बहुत कुछ लर्न किया इनके साथ. और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ वक्त ज़रूर देंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में अब दो एग्ज़ाम्स जो हैं मेनली, एक तो KAS और IAS, दोनों का एग्ज़ाम का सिलेबस सेम हो चुका है एंड स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ दीज एग्ज़ाम नाउ. पहले ऑप्शनल अलग था JKAS में और सिविल सर्विस में अलग था. मुझे लगता है कि अब और भी ज़्यादा लोग दिखेंगे हमें सिविल सर्विस में. जी जी जी, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि जब फॉर्मेट एग्ज़ाम्स का सेम हो तो एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होके होके दूसरे के लिए भी हो सकती है. मे बी क्वेश्चनिंग में या कंटेंट, मे बी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस या इन डेप्थ एनालिसिस में थोड़ा सा फ़र्क हो, बट अगर फॉर्मेट सेम होने से आई थिंक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. जैसे पहले ही होता था, दो ऑप्शंस होते थे, UPSC ने एक ही रख लिया था तो वो रहता था, लेकिन अब सिलेबस सारा फॉर्मेट सारा सब पैटर्न सेम हो गया है, तो इट्स ऑलवेज गुड. बिल्कुल सर. सर जहाँ तक बात की जाए इस एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने की और बाकी उन सब के लिए, तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पॉसिबल हो सके तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली आपके जो फैंस हैं, अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि फखरुद्दीन सर से अगर कोई लाइव सेशन हो सके, कोई बातचीत हो सके, तो अगर सर पॉसिबल हो आपके लिए तो क्या एक लाइव सेशन पॉसिबल होगा डायरेक्टली स्टूडेंट्स? डेफिनेटली एक लाइव सेशन जिसमें क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे हम, वो कर सकते हैं हम. आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आई विल ऑल्सो चेक माई शेड्यूल. तो जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी वे में मेरी एक्सपीरियंस या जो मैंने सीखा वो लोगों तक पहुँच पाए, आई एम मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट. थैंक यू सो मच सर. बता दीजिएगा, करते हैं. एवरीवन, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर क्वेश्चंस. सर ज़रूर जल्दी ही लाइव आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से. साथ ही साथ जहाँ तक बात की जाए एग्ज़ाम की प्रोसेस की एंड स्ट्रैटेजी की, ऑल दीज थिंग्स, उस पर तो हम आएंगे ही और सर से अलग से टाइम ज़रूर लेंगे. लेकिन फ़िलहाल सर मैं आपसे एक पर्सनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ. खैर अब तो इस फील्ड में बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन जो लोग नए प्रिपेयर कर रहे होते हैं नॉर्मली IAS या KAS सोच के कि भाई बाबू बनना है और लाल बत्ती चाहिए, उसके लिए जाते हैं. लेकिन सर व्हाट डज इट फील, मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू बी एन IAS ऑफिसर? ऑन ग्राउंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ऑन ग्राउंड व्हाट आर यूर जॉब प्रोफाइल? आप एग्जैक्टली डे टू डे बिजनेस में क्या करते हैं? देखिए अगर हम देखें एक बाबू अब टर्म जो है तो उसको एक साइड में रख के, जो सिविल सर्विसेज एक प्रोफेशनल सर्विसेज है जिसमें आपका, आप किसी भी पद पे रहे किसी भी पोस्ट पे रहे, एक सेट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. आपके सबॉर्डिनेट क्या रहेंगे,
आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या रहेंगे, आपकी ड्यूटीज़ डे टू डे ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, जिसमें अगर हम मोटा मोटा तरीके से देखें तो जो पॉलिसीज़ होती है स्पेसिफिक टू योर डिपार्टमेंट योर पोस्ट वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए जैसे अगर सबसे पहली पोस्टिंग जो SDMship की होती है तो पूरे उस ज़िले सब डिवीज़न का एक हेड टाइप होता है, पूरा एक कोऑर्डिनेटर होता है। लेकिन ये तो टेक्निकलिटीज़ को छोड़ के अगर देखें तो मेनली इट इज़ मोर अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ए कोऑर्डिनेटर, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है अगर आप देखोगे इसको जर्नलिस्ट सर्विस बोलते हैं, IAS हुआ KAS हुआ, तो आपका क्या रहता है कि आप कोऑर्डिनेशन एक नोडल अथॉरिटी रहते हो जो सब विभागों को सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है उस लेवल पे। फिर जैसे ये फील्ड पोस्टिंग हुई, जैसे फिर आप सचिवालय जाते हैं जो आपका डेस्क जॉब रहता है, तो उसमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ चैलेंज आते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, उसमें डिफरेंट जॉब प्रोफाइल होता है, मीटिंग्स करना, मीटिंग्स के साथ जो डिसीजन दिए उनका फॉलोअप लेना। दूसरा एक है ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर आपके पास आपका जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जिस भी आप जॉब प्रोफाइल जिस भी आप पोस्ट पे हो उसका उसकी कौन सी सर्विसेज जो देते हैं, क्या वो सही ढंग से पहुंच रही है लोगों तक, क्या उसका इम्प्लीमेशन सही है, तो ये मोटा मोटा तरीके से ये रहता है। ओके एंड दर्शकों को बता दूं कि सर पहले जो है इनकी पोस्टिंग असम कैडर में हुई थी एंड देन ही रिसेंटली केम बैक टू होम कैडर। सर थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गोइंग टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट व्हिच इज़ इन पर्टिकुलर नॉट सो मच डेवलप्ड एंड अभी गवर्नमेंट की बड़ी स्पेसिफिक स्कीम्स भी आ रही हैं, PM-DMine वगैरह, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर? दो अगर मैं दो पहलुओं पे जाऊं, एक तो एज अ सिविल सर्वेंट और दूसरा एज अ सोसाइटी में रह के, तो दोनों के अपने अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी गुड, इट वाज लर्निंग। तो जॉब के वाइज जो हमें सिखाया गया था उसी पैटर्न पे था, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी कंट्री में मोर और लेस सेम है, तो सेम ही था जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे बाकी स्टेट्स में SDM का रोल होता है वैसे था। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आप मेघालय में देखें 6 शेड्यूल स्टेट है, तो जो रेवेन्यू लॉज है वो थोड़े डिफरेंट है। दूसरा वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है तो देयर इज़ ऑलवेज अ विलेज हेडमैन, जो सोसाइटी का ये जो गांव का हेड होता है जिसको नोकमा कहते हैं या गांव बुरा कहते हैं, उसके साथ वो एक अच्छा वो एक एक ही कमांड से गुड अथॉरिटी ओवर द पॉपुलेशन, लोग उसका सुनते हैं रेस्पेक्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कुछ चीज़ें सोसाइटी को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं, वो एक आई शुड नॉट से बाकी स्टेट्स में नहीं होता है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। डिस्टेंस की वजह से मे बी आपको लग सकता है कि वो थोड़ा सा फार फ्लंग है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप एडजस्ट होके आपको अच्छा लगता है। दूसरा है वहाँ आपको पता है टाइम जोन की वजह से थोड़ा सा अर्ली सनराइज होता है, तो यहाँ पे जब 9 होते हैं और वहाँ पे जो 9 बजे होते हैं या 10 AM होता है, तो वो फील जो है वो एक पहले में मैंने वो महसूस किया कि यस इट वाज क्वाइट डिफरेंट, कि यहाँ पे जब 12 बजे है वो फील वहाँ पे 9 बजे आता है। अच्छा, तो ऐसा रहा। दूसरा खाना वहाँ का बहुत अच्छा है, लोग बड़े सपोर्टिव है। यहाँ आने के बाद घर में आके थोड़ा सा जैसे आप जैसे दोस्तों से मिलना हुआ जो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट नहीं आते, काम मोर और लेस सेम है, सेम सेटअप ड्यूटी, सेम सेटअप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक जियोग्राफिकल एंड सोशल डिफरेंस की वजह से एक इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा लगता है हाँ नई चीज़ें हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू गेट एडजस्टेड।